मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा चुनावों की तैयारियां जल्दी शुरू होगी। दर्शकों को बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी राज्यसभा सीट खाली हो गई है। पहले ये माना जा रहा था कि यहां से केपी यादव को चुनाव लड़वाया जाएगा, लेकिन क्या होगा, क्या केपी यादव यहां से प्रत्याशी बनेंगे या बीजेपी किसी बदलाव की तलाश कर रही है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के वक्त गुना से तत्कालीन सांसद केपी यादव का टिकट काट दिया बीजेपी ने और उनकी जगह पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा। आपको बता दें कि जब अमित शाह लोकसभा चुनाव के दौरान सिंधिया के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, तब उन्होंने मंच से ये बात कही थी कि गुना लोकसभा क्षेत्र से दो बड़े नेता बीजेपी क्षेत्रवासियों को देंगे, जिसमें ऐसा माना गया कि वो केपी यादव का भी जिक्र कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जहां सिंधिया ना सिर्फ जीते बल्कि अब वो मोदी कैबिनेट में मंत्री भी बन गए हैं, वहीं अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या अमित शाह के द्वारा जनता को किया गया वादा वो पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, यानी कि क्या केपी यादव को राज्यसभा भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। दर्शकों को ये भी बता दें कि जब केपी यादव का टिकट गुना से कटा था, तब उन्हें पार्टी आलाकमान की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि उनके लिए पार्टी ने कुछ बेहतर सोच के रखा है। ऐसे में लगातार ये कयास लगते रहे कि सिंधिया की राज्यसभा सीट खाली होने के बाद यहां से केपी यादव को राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी, लेकिन फिलहाल इसको लेकर किसी भी तरीके की गहमा गहमी होती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अगर केपी यादव की बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही केपी यादव जो हैं वो पूरी पिक्चर से गायब नजर आ रहे हैं। हालांकि वो अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, पार्टी में जितनी भी मीटिंग्स हो रही है उसमें भी वो मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी फिलहाल बीजेपी की तरफ से मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में आने वाले वक्त में ये बड़ा सवाल है कि क्या केपी यादव को बीजेपी राज्यसभा भेजेगी या नहीं भेजेगी। सवाल ये भी है कि अगर केपी यादव को बीजेपी राज्यसभा नहीं भेजती है तो ऐसे में केपी यादव का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि दर्शकों को ये भी बता दें कि जब केपी यादव का गुना लोकसभा क्षेत्र से टिकट कटा, तब जयवर्धन सिंह से लेकर अखिलेश यादव तक ने केपी यादव को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था, जिसे केपी यादव ने उस वक्त ठुकरा दिया था। ऐसे में आने वाला वक्त बताएगा कि क्या बीजेपी केपी यादव को राज्यसभा भेजती है या फिर केपी यादव कुछ अलग कदम उठाते हुए दिखाई देते हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।